सबसे पहले सवाल मैं यही पूछना चाहूंगा कि जब से आंदोलन शुरू हुआ है नवंबर से, 8 महीने हो चुके हैं, राकेश टिकैत जी कितने बार घर आ गए? कितनी बार भी नहीं आए। अच्छा, हम ही चले जाए भाई, मुजफ्फरनगर तो जिले में ही नहीं घुसे, घर की तो बहुत बड़ी बात है। सीम में ही नहीं आए, मेरठ तक आ जाते हैं, शामली तक आ जाते हैं, यहाँ नहीं आए। अच्छा, हाँ, बड़ो तो सारे को आ जाए, मुजफ्फरनगर जिले में तो पैर भी नहीं रखा। किसी का शादी हो, ब्याह हो, कुछ ही हो, किसी के नहीं आते, हम ही अपना अटेंड कर लें, चले जाओ हम ही। अच्छा, तो आप वहाँ पे चले जाते हैं उनसे मिलने, या आपकी मुलाकात नहीं हुई? नहीं हुई मेरी मुलाकात तो भाई, 10 बार हुई, चले जाते हैं हम तो। अच्छा, हाँ, और 3 बार में सबसे पहले तो रंगवाली होली तो पहले दिन गए थे वहाँ, जब रुके थे। अच्छा, फिर 22 मई को रुकी, फिर उसके बाद अभी 1 जुलाई को रुकी, 3 बार में 4-4, 5-5 दिन रुक कर आ गए। आप ही वहाँ पे चले जाते हो, वहीं पे आपसे मुलाकात होती है? हाँ, मैं ही हो जाऊँ। अच्छा, फ़ोन कर लें सुबह शाम, पूछ लें भाई ठीक ठाक है, खाना खा लिया, कपड़े गंदे हो गए घर पूछवा दिए, धुए आ जाएंगे, यही तो होती है, यही हम बात कर लें, और क्या बात है। अच्छा, फ़ोन पे बात होती है डेली? किसी दिन नहीं भी होती, 4 दिन भी हो जा। अच्छा, और डेली भी हो जा, 2 बार भी हो जा, सुबह को भी हो जा, शाम को भी हो जा, और कभी कभी कहीं चले जाएँ तो 4-4 दिन भी हो जा, नहीं होती। फोन पे क्या बात होती है, आंदोलन के बारे में बात होती है या फिर पारिवारिक बात होती है? फोन आंदोलन के बारे में भी आपसे चर्चा करते हैं? परिवार तो उनका वहाँ है ही, आंदोलन की बात तो वे वहाँ कर ही ले, उनका तो बहुत बड़ा परिवार है, यहाँ तो हम 3-4 बंदे घर में, 3-4, 5-6 मुझे सिसोली में है, गाँव में थोड़े से बंदे, वहाँ तो उनका बहुत बड़ा परिवार है, अपने परिवार में खुश है, मैं उन्हें रहना चाहिए। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 36। अच्छा, 36 साल, मुझे लगता है 35 साल का, मुझे लगता है कि करीब करीब BKU बनी के हुए, आपकी शादी के बाद बनी? हाँ, भारतीय किसान यूनियन मेरी शादी के बाद बनी। अच्छा, 1986 में बनी, 1987 में शामली बिजली घर पर पंचायत हुई थी, पहली पंचायत 1987 1 मार्च, अकबर अली और जयपाल 2 शहीद हुए थे, एक लांक के थे, एक निसाड़ के थे, अकबर अली लांक के थे और जयपाल थे निसाड़ के। आप तो फिर तब से ही ये आंदोलन देख रहे हैं, महेंद्र टिकैत जी जब से थे, उसके बाद राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, तो तभी से ये सारा कुछ देख रहे हो? हाँ, शुरू तो सारा ऐसा ही देख रहे हैं भाई, बहुत बहुत लोग आते थे पहले तो, अब तो ज़्यादातर धरने पर हैं गांव में भी, अभी तो 10-15 साल तक ही तो मुजफ्फरनगर में आई, 36 साल तक 15-20 साल गाँव में ही नहीं रही क्या, लोगों की सेवा करने के लिए, खाना बनाने के लिए, जो कोई भी आवे सबका अच्छे से मान सम्मान होना हो चाहिए था, खाना खाना भाई, जो भी आया कोई भूखा ना जा, जो भी अपने घर में वो ही दे। अच्छा, तो कभी कभी ये नहीं आता कि मन में कि आपकी ज़िंदगी है, जैसे आप अब 8 महीने से वो आपको मतलब घर नहीं आए, कोई आपके यहाँ पे फंक्शन भी होता होगा, कोई और भी खास मौके होते होंगे जिसमें वो आपके साथ नहीं शामिल हुए, तो नहीं लगता कि आप कभी नहीं नाराज़ नहीं होते कि ये सब छोड़ के घर पे रहो, कोई ज़रूरत नहीं है? नहीं भाई, नाराज क्यों होंगे, हम तो नहीं होते नाराज, मेरे तो बहुत जी लगा है। अच्छा, जिमें आते ही नहीं, हम ही चले जाएं, हम ही मिल ले। अच्छा, और क्या। हाँ, हम तो मिलिया हमें, हम चले जाएं, सब चले जाएं, 20-20, 30-30 औरतें चले जाएं, 8-8, 10-10 गाड़ी चली जाएं हमारे साथ। अच्छा, हम तो सब चले जाएं। ये तस्वीर है, मुझे लगता है जब पुलिस में नौकरी भी आपके शादी के बाद की है ना, 1989 में 23 दिसंबर को मेरा बेटा हुआ था, 19 दिसंबर को पहली बार ड्यूटी पर गए थे, दिल्ली ट्रेनिंग हुई थी 2 महीने की, फिर वह रद्द कर दी गई थी, फिर वह मुरादाबाद हुई थी। अच्छा, इसमें से कौन सी तस्वीर है उनकी? बीच वाले। ये वाले? अच्छा, जो बिल्कुल बीच में हुए हैं, दो उधर हैं, दो इधर हैं, बीच में हैं। अच्छा, तो मतलब कोई शिकायत नहीं है उनसे, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? ठीक कर रहे, बढ़िया कर रहे भाई, किसानों की आवाज़ उठाने के लिए वह तो कोई चाहिए ही था, पहले पिताजी उठाते थे, उन्होंने बनाई थी यूनियन, अब भाई अब वे नहीं रहे तो अब ये है ना, डर लगता के ना सभी कुछ ही कर लो, सरकार ने सारे हथकंडे अपना लिए, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, आतंकवादी, आंदोलन जीवी, क्या नहीं करा, अब दूसरी लहर बता दी, अब तीसरी लहर बता दी कि आंदोलन ने तो कोरोना फैला दिया, कोरोना आंदोलन ने नहीं फैलाया, आंदोलन कोरोना फैलाया, इलेक्शन होना जो बंगाल में, इधर 5 राज्यों में इलेक्शन हुए थे, कोरोना उन्होंने फैलाया था, किसानों ने नहीं, किसान तो किसानों को तो राही नहीं बैठ रहा, क्या करें, जो कोरोना से आ जा तो किसानों ने फैला दिया कोरोना, जो कम रह जा तो आंदोलन खत्म हो गया, जो ज़्यादा हो जा कि आंदोलन
न कोरोना फैला दिया। अब समझ में हमें यू नहीं आ रहा हम क्या करें, किसान क्या करें। जो किसान कम रह जा कि आंदोलन खत्म हो गया, ज्यादा चले जा तो कोरोना फैला दिया। अब सरकार अरतम भी भाई सब पढ़े लिखे हो सब बता दो हम करें क्या। सही बात है। अच्छा अनायरा बात करोगे? अच्छा मुझे ये बताओ कि आपने पहले तो ये बताओ बड़े होके क्या बनना है? बड़े होके मुझे डॉक्टर बनना है। किसान नेता नहीं बनना? नहीं। अच्छा अच्छा मुझे रकेश टिकैत आपके बाबा कहाँ पे है इस वक्त? मेरे बाबा जी हैं बॉर्डर पे। अच्छा आप जाते हो बॉर्डर पे उनसे मिलने? जाती हूँ। कौन से बॉर्डर पे हैं वो? बॉर्डर का नाम है क्या? बॉर्डर का नाम है गाजीपुर बॉर्डर। अच्छा तो वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे? बाबा जी कर रहे हैं वहाँ पे किसान भाई को पानी पिलाने। अच्छा। वे किसान भाई के पास रहते हैं मेरे बाबा जी। अच्छा क्यों रहते हैं वहाँ पे, क्यों गए हुए हैं वहाँ पे? क्योंकि क्योंकि वो सरकार हमारे किसान भाई को धूप में बिठा रहे और खुद एसी में। अच्छा किसानों को कहाँ होना चाहिए? किसानों को एसी में और सरकार को धूप में। अच्छा अच्छा मुझे ये बताओ जो आपके दादाजी हैं वो घर पे आए कभी और कब आएंगे? घर पे कभी भी नहीं आए और 3 डेज में आएंगे। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अच्छा ये सब आपको कौन किसने बताया? ये बाबा जी ने। अच्छा आप मिलने जाते हो बाबा जी से? हाँ जी। आपसे कौन सी वीडियो नहीं देखी जाती? बाबा जी की रोने वाली। अच्छा। कौन रोकेगा ट्रैक्टर? ट्रैक्टर रोकिंग करन रख ले बकवास करन। सो जागीर है दिल्ली के किसी बाप के जागीर है तो ट्रैक्टर रोकेंगे। सो मैं आपसे जानना चाहूँगा आंदोलन चल रहा है, अगर इस आंदोलन की बात करूँ तो महिलाओं का इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर साथ दिया है। महिलाओं ने किसान भाइयों के साथ मोड़े से कंधे से कंधा मिला के वो आगे चल रही हैं। इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं कि वाकई में आप क्या समझते हैं कि महिलाओं का योगदान है इस आंदोलन में और कितना योगदान है? महिलाओं का भी बराबर का योगदान है। देखिए जब आंदोलन चला हुआ है किसान भाई वहाँ 8 महीने हो चुके हैं आंदोलन चलते चलते, 26 तारीख को 8 महीने पूरे हो जाएंगे, लेकिन सरकार बात करना ही नहीं चाहती वो। और कहना एक तरफ कहते हैं कि जो बिल बनाए गए हैं वो किसानों के हित के लिए बनाए गए हैं, किसानों के हित के लिए बिल बनाए गए हैं। 600 किसान वहाँ अब तक शहादत हो चुकी है, 600 किसानों की किसी का कोई मतलब नहीं है। सरकार की तरफ से एक इंसान नहीं है जो जिसने 2 मिनट के लिए भी टीवी पे आके या कुछ भी बोला हो किसानों से रिलेटेड, कुछ नहीं। और कहते हैं कि हमने किसानों के लिए इतना अच्छा कर दिया, तो जो वहाँ बैठे हुए वे किसान नहीं है, वे कौन है फिर जो वहाँ पे मतलब 8 महीने हो गए घर छोड़े हुए, छोटे छोटे बच्चों को लेके वहाँ पे लोग रह रहे हैं, फिर वो कौन है सब। फिर दूसरी चीज़ एजुकेशन सिस्टम ही ख़त्म कर दिया बिल्कुल, घर पे बिठा दिए बच्चे तो। और युवा जो पढ़े लिखे हैं जो बीटेक और एमबीए करे हुए हैं वो भी घर में बैठे हैं, वो आगे तो बेरोजगारी कर दिए पूरी। और दूसरी चीज़ महंगाई पे महंगाई बढ़ाए जा रहे हैं। फिर अब अगर अब नहीं लड़ेंगे, अब नहीं खड़े होंगे, अब आवाज़ नहीं उठाएंगे, फिर कब उठाएंगे? मतलब एक तरफ तो रोजगार नहीं है, दूसरी तरफ महंगाई, पेट्रोल देख लो, डीजल देख लो, गैस के दाम देख लो, कहाँ जा लिए। जब 400 पे थे तब यही लोग सड़कों पे थे, आज 800 पे हैं, 850 पे हैं, आज कोई बोलना नहीं पसंद कर रहा। तो अगर अब भी हम खड़े नहीं हुए या आवाज़ नहीं उठाई तो फिर कब उठाएंगे? तो फिर तो ऐसा ही है, अपना घर में रहो, भूख से मरो और आवाज़ उठानी बंद कर दो, कोई नहीं सुनने वाला आने वाले टाइम में। अब खड़े हो लो तो यही है, जो आंदोलन चल रहा है इसी चीज़ का तो चल रहा है, किसानों का तो है ही है, आम आदमी के लिए भी इसमें फ़ायदा है। अगर आम आदमी इस चीज़ को समझ लेगा ना कि आने वाला टाइम कैसा होने वाला है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि एजुकेशन इसलिए नहीं लाना चाहते ना, क्योंकि पता है जो पढ़े लिखेगा इंसान तो वो क्वेश्चन करेगा, जब पढ़े लिखेगा ही नहीं तो तुम धर्म के नाम पर जाति के नाम पर किसी चीज़ पर लूटते रहो, अपना वोट मिलते रहेंगी, 5-5, 2-2, 4-4 हज़ार रुपये का लालच दो तुम्हें वोट मिल जाएंगी। जब वो एजुकेशन सिस्टम सब खत्म कर दो, बाकी सब चीज़ खुली हुई है, बस स्कूल ही बंद है।
ये तो आपने भी देखा होगा कि स्कूल ही बंद है, स्कूल नहीं खुल रहे, उनसे ही कोरोना है, बाकी हर चीज़ खुली हुई है भाई, ठेके से लेके और चीज़ें भी जिनसे इन्हें फ़ायदे होते हैं, सब चीज़ खुली हुई है। अच्छा, अगर मैं आपकी बात करूं, जब से आपकी शादी हुई है, आप जो राकेश टकैत जी हैं या आपके पति हैं या परिवार के और सदस्य हैं, वो ऐसे ही आंदोलन किसानों के लिए लड़ते जा रहे हैं, आपको कभी नहीं होता कि ये सब छोड़ के जो अपनी पारिवारिक जिंदगी है वो अच्छे तरीके से व्यतीत की जाए? तो ये तो अच्छे तरीके से व्यतीत हो रही है, जब मैं मतलब मेरी फ्रेंड्स के भी मेरे को फ़ोन आते हैं कि निक्की तेरे जो फादर इन लॉ हैं कितना अच्छा काम कर रहे हैं, हमें प्राउड फील होता है, वो भी अपनी फैमिलीज़ में बताते हैं कि मैं हमारी फ्रेंड की वहाँ शादी हुई हुई है और ये हैं वो लोग जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो 8 महीने से अपने घर तक नहीं गए और किसानों के लिए इतना अच्छा मतलब सोच रहे हैं कि भाई उनका उन्हें ये है कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़े, कम से कम उन्हें जो जितना वे अपनी खेत में कर रहे हैं उसका कुछ तो मिले, वो तो उसका तो वे आधा भी नहीं मिलता, और कहने को कि डबल इनकम कर दी। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे बाबा जी को या फिर सरकार को, कुछ कहना चाहोगे? बाबा जी बॉर्डर पे, क्योंकि बाबा जी रोए थे, वो वीडियो मुझे देखी नहीं गई, सरकार को कहना चाहती 3 बिल वापसी, MSP पे कानून बनाओ, इतने घर वापसी नहीं, इतने बिल वापसी नहीं। अच्छा, एक स्कूल का क्या कह रहे थे आप? स्कूल मोदी ना स्कूल नहीं खोल रहा, सब चीज़ तो खोल रहे पर स्कूल नहीं खोल रहा। हाँ, मुझे स्कूल जाना है पर मोदी जी स्कूल ही नहीं खोल रहा। मोदी जी स्कूल नहीं खोल रहे? मोदी जी स्कूल नहीं खोल रहे। अच्छा, तो आपने स्कूल जाना है? हाँ, मुझे स्कूल से ही तो बड़े होते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं देख रहा था जब मैं घर पे आया कि आप इसको पढ़ा रहे थे। हाँ, पढ़ा रही थी भाई, छोटी सी बच्ची, अब पढ़ाना तो पड़ेगा, स्कूल में तो जाते नहीं, स्कूल तो बंद कर रखे। आप कितना पढ़े हुए? मेरे जितना तो कोई भी नहीं पढ़ रहा। अच्छा, मेरे जितने तो मोदी जी, मुख्यमंत्री जी, योगी आदित्यनाथ भी नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे जो मैं पढ़ रही? वो पढ़ रही, क्या पूछना चाह, जो पूछना चाह वो बता दे, आदमी पढ़ा लिखा ही बताओगा, बावड़ा तो बताने का नहीं, जो भाई बिना पढ़ा लिखा है, घूंटा टेक है, बोलता नहीं, वो क्या बताओगा, पढ़ा लिखा ही बताओगा, हम तो पढ़े लिखे हैं पूरे। अच्छा, क्या लगता है, अगर मैं बात करूं, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि टिकैत परिवार को या राकेश टिकैत को ये चुनाव लड़ने चाहिए या नहीं? नहीं भाई, हमें नहीं लड़ना किसी को भी है चुनाव, चुनाव लड़ने वाले तो और बतेरे हैं, हम क्या करेंगे जो नाव लड़के, हम नहीं लड़े कोई भी, ये तो है राजनीति का आंदोलन है, आंदोलन सरकार तब हार रहे है, कभी तो चाहो आंदोलन करने वाले कोई, जब सभी सरकार में चले जाएंगे आंदोलन कौन करेगा, आंदोलन भी तो करने वाले चाहो, और ये कोई हर आदमी तो बेचारा, देखो शुद्ध आदमी भी ऐसा भी है भाई, हर आदमी पता आंदोलन नहीं होता, साथ हैं, बहुत बड़ा परिवार है उनका, वहाँ आंदोलन में आंदोलन उनका परिवार है जहाँ से, तो इलेक्शन नहीं लड़ने के, इलेक्शन तब बाहर रह के ही आवाज उठाएंगे किसानों के। अगर इलेक्शन लड़के सरकार में जाओगे तब नहीं किसानों का भला होगा, ऐसा नहीं लगता? नहीं, जब क्या भला होगा, फिर तो सरकार बोलना नहीं देने की, फिर तो सरकार के चुंगल में फंस जाएंगे इलेक्शन लड़के, तो जो अब है ये मंत्री संतरी जो भी है ये कहाँ बोल रहे किसानों के, उसमें ये तो बोल ही नहीं रहे, जो कोई बोल रहे हैं भाई पंजाब में पत्रकार बोल ले कुछ मोदी के, उसमें पूछ लिया किसी ने तो उन्होंने पे देशद्रोह का मुकदमे लगा दिए, वही जेल में सूट दिए, बाहर छुड़ा कौन इन्हें, अभी हरियाणा में 100 किसानों पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया, हरे राम जय राम करो तो ठीक है, अगर मोदी के खिलाफ कुछ भी बोल दिया भाई, कुछ भी पूछ लिया पत्रकारों ने, कुछ भी पूछ लिया किसी ने भी, उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा, मैं अरे वो जेल में ठूसते हैं, क्या करेंगे सरकार में रह कर, सरकार तो बाहर रह के ही आंदोलन करेंगे, बाहर भी तो चाहिए आंदोलन करने वाले, सरकार में रहकर आंदोलन नहीं होने का। आपका नहीं मन करता कि आप भी कोई इलेक्शन लड़ो? नहीं, हमारा मन तो नहीं करता इलेक्शन लड़ने को, हम लड़े ही नहीं कोई भी। ससमा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये सन राकेश टिकैत की धर्म पत्नी जिन्हों का मानना है कि राकेश टिकैत या फिर टिकैत परिवार का कोई भी सदस्य आन वाली यूपी चोणों के इलेक्शन नहीं लड़ूगा, क्योंकि इन्हों का यह मानना है कि सरकार तो बाहर रह के ही जिहड़े किसानों की है आवाज़ है वह बुलंद की जा सकती है,
सरकार दे विच जाके उही सारे जिहड़े राजनीतिक दलदल दे विच या फिर कह लो उस चुंगल दा जिन्हां ने इन्हां जिक्र कीता है कि उस दे विच जाके किसानां दा भला नहीं हो सकदा, जे किसानां दा भला करना है तां राजनीति तो बाहर रह के ही किया जा सकता है। तुसीं देख रहे सी रोजाना स्पोक्समैन, कैमरे के पिछे मेरा साथ दिता मेरे सहयोगी शरद ने, मैं शेषव नागरा, धन्यवाद।